तो दोस्तों आज का ये वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत सैड है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सौरभ जोशी को हो चुका है कोरोना। ऐसा 91% या 90% या 100% श्योर है, क्योंकि सौरभ जोशी ने खुद बोला। अभी तक मैंने उनका कुछ नहीं देखा, देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो सच में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि मैंने उनके जो पोस्ट अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट डाला है, तो उनका कम्युनिटी पोस्ट देख के मुझे लग गया था कि वो हॉस्पिटल में है और उन्होंने अभी एक वीडियो अपलोड करा है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ में देखना चाहिए कि उनको सच में कोरोना हुआ है या नहीं। और वैसे उनके कुछ व्लॉग्स जो अभी लेटेस्ट व्लॉग्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा था कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो हो सकता है कि उनको कोरोना हुआ हो। तो आइए देखते हैं उनका, पहले तो हम देखते हैं कम्युनिटी पोस्ट जो सुबह उन्होंने डाला था। देखिए 87,000 लाइक्स आए हैं इस पे, और देखिए यहाँ पर इनके हाथ में देखो ड्रिप चढ़ रही है। यहाँ पे ये सौरभ ही हो सकते हैं जो लेटे हुए हैं, ठीक है, सौरभ ही हो सकते हैं जो लेटे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए और भी मरीज दिख सकते हैं आपको। अब ये कंफर्म नहीं है कि उनके घर के ही है या कोई और है, या फिर ये कोई और हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है सौरभ। और सामने भी जो लेटे हुए हैं ये शायद मुझे लग रहा है कि 100% श्योर नहीं हो, ऐसा लग सकता है शायद इनके फादर हो, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कौन है, क्योंकि मुझे फेस अच्छी तरह से दिख नहीं रहा क्योंकि मास्क लगा हुआ है। तो देखिए अभी जो उन्होंने वीडियो डाला है वो कोई व्लॉग नहीं है, ठीक है, तो मैं भी आपके साथ देखूंगा ये वीडियो। ये व्लॉग नहीं है, ये उनका शॉर्ट वीडियो है। हो सकता है उन्होंने पूरा वीडियो बना नहीं पाए हो, व्लॉग नहीं बना पाए हो, जो छोटा सा बना हो वो हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने छोटा सा वीडियो बनाया और हम सबके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी 4,81,000 व्यूज हो चुके हैं इस पे, और देखो वीडियो का टाइटल है पूरी फैमिली का कोविड पॉजिटिव। तो देखते हैं क्या वीडियो है। हे गाइस, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं और हमारी तो पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव आ गई है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था हम एडमिट थे। इंस्टाग्राम मैंने चलाया नहीं कल से, क्योंकि मैंने इनको फॉलो कर रखा है मेरी खुद की आईडी से, और मैं लेकिन दूसरी आईडी चला रहा था, तो मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इन्होंने कल ही डाल दिया था, बताया जैसे कि कोविड पॉजिटिव हुआ है, पर मुझे तो यूट्यूब से पता चला है। तो पूरी आगे फैमिली देखते हैं। फैमिली ग्लूकोज वगैरह लगा था हमको, और पापा जी की ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो गई थी, तो उसके लिए भी काफ़ी ऑक्सीजन दी थी उनको। और अब थोड़ी नॉर्मल है। और अभी सारे कल कल रात को ही आ गए थे, घर में आ गए थे, और अभी घर में ही आइसोलेट हम कर रहे हैं, पूरी फैमिली क्वारंटीन हो रखे हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबह से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे, पारस भाई की बात आ रहे थे, तो पारस भी बोल रहे थे थोड़े अपडेट दे दो अपनी ऑडियंस को। तो फिलहाल के लिए अभी ठीक है सिचुएशन, ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, हम भी नहीं ले रहे ज़्यादा टेंशन, आप भी मत लो। बाकी आसपास के लोग, पारस भाई, नवीन भाई, बहुत इतने ज़्यादा हेल्प करे ना, मतलब, और आसपास के पड़ोस के लोग खाने पीने हर चीज़ की हेल्प करें, बिकॉज हम सबकी ही तबीयत ख़राब है। तो बस आप लोगों को भी कहूँगा कि घर में रहो, सेफ रहो, और जो लोग भी हल्के में नहीं रहे आप खुद देख सकते हो, ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहे थे, इसलिए बताए कहाँ से क्या हो गया। अभी तो बस पैनिक नहीं रहे, अच्छे से ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर ने हमको दवाइयाँ दी हैं सब कुछ, तो उनको फॉलो करेंगे। एक बात कह रहा हूँ, अगर पापा की ऑक्सीजन मिल सकती है तो यहीं पे, घर में ही हम एमरजेंसी के लिए, अभी तो वैसे ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन मिल सकती है तो आप हमारे घर पे दे सकते हो, आसपास कहीं से भी, वैसे मकान में मिलने के लिए, वैसे भी खतरा है आपको है तो आपको भी मिल सकता है। और भी ऑक्सीजन अगर मिल पाए तो एमरजेंसी के लिए, क्योंकि आप तक कब किसकी डाउन में आ जाए, तो वो आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बस और क्या बोलूँ, बस यही अपडेट देना था आपको, बोलूँ काफ़ी सारे मैसेज ये टेंशन मत लेना, बस आप भी सेफ रहो, अपने घर में रहो। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, वो फोटो में सौरभ जोशी हो सकते हैं, क्योंकि देखो उनके हाथ में ड्रिप चढ़ रही थी और यहाँ पे भी देखो हाथ में पट्टी बंध रही है, तो कंफर्म सौरभ जोशी थे। और दूसरी बात कि अभी ये बात कर रहे थे तो इनकी भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, तो इनको भी सांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हो सकता है कि ये भी थोड़े ज्यादा, तो इनकी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो, पर ये अपने ऑडियंस को बताना नहीं चाह रहे हैं। ऑडियंस ज्यादा, इनके जो फैंस हैं वो ज्यादा पैनिक कर जाएंगे इनके बताने से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। देखिए इनके सारे ब्लॉग्स में कितने केयरफुली रहते हैं, फिर भी इनको पता नहीं कैसे कोरोना वायरस हो चुका है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करिए, आप घर में ही रहें, जरूरत पड़ने पर ही, बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलिए, ताकि आप भी कोरोना वायरस से बचे रहिए। देखिए इतनी सेफ्टी करने के बाद भी इन तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है, तो हम तक भी पहुंच सकता है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैं होप करता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और मैं के लिए विश करता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए और वापस व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि इनका व्लॉग नहीं आया है, व्लॉग की जगह एक शॉर्ट वीडियो आया है। चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और इनके वीडियो में अभी सिर्फ
यही आए हैं पीयूष, इनकी मम्मी और इनके पापा को नहीं दिखाया है, तो मुझे पता नहीं है कि उनका क्या कंडीशन हो सकता है, लेकिन इनकी तो तबीयत खराब लग ही रही है वीडियो में, और इनकी आवाज भी थोड़ी ऐसी डाउन लग रही है, तो ये जल्दी रिकवर हो जाए, उनकी पूरी फैमिली भी रिकवर हो जाए, और इनको कोरोना वायरस से जल्दी राहत मिल जाए, कोरोना वायरस दूर हो जाए इनकी फैमिली से, और ये वापस एक्टिव हो जाए और ब्लॉग्स बनाना चालू कर दे, तो मेरी तो विश यही है कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और आप भी अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि ये कोरोना वायरस आपकी फैमिली तक ना पहुंच पाए, और इससे बच के रहिए जितना हो सके उतना ही। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना, लाइक वीडियो शेयर और लाइक सब्सक्राइब के लिए आज कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूँ बस ये ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस बाय।